friends, how are you all? I hope you all are very fine. Dear students, have you watched this story? How was it? Was it so interesting? I hope, and I knew very well, it was so interesting story about the Maharaja of Kerala and about the wonderful village. So let's read the textbook and understand the chapter today. Take out your English textbook, page number 10, open the chapter, page number 10, can you see? I am reading from here, wonderful waste. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार ट्रेवेनकोर के महाराजा ने एक ग्रैंड डिनर, ग्रैंड यानी भव्य, बहुत बड़ा, सबको बुलाया। ग्रैंड डिनर, डिनर यानी रात का भोजन। इन हिज पैलेस, तो ट्रेवेनकोर के राजा ने एक बहुत भव्य मेजबानी रखी। शाम के वक्त बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन to survey the dishes that had been prepared for the feast. Maharaja, जरूरी है कि जब इतने सारे लोगों को बुलाया है तो महाराजा दोपहर के वक्त यानी कि शाम से पहले एक बार किचन में जाते हैं सब सर्वे करने के लिए. The meaning of survey is सर्वेक्षण, यानी ऑब्जर्व करने के लिए, to check out, चेक करने के लिए. तो राजा किचन में चेक करने के लिए गए. वहां पे राजा जी सब चेक कर रहे थे कि कौन सी डिश आज शाम को बनने वाली है, कि मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं वो आज के खाने में खाएंगे क्या. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste. We will throw them away. राजा ने वहां पे देखा कि एक बास्केट में स्क्रैप्स मींस बची सब्जी के टुकड़े, स्क्रैप्स मींस बची सब्जी के टुकड़े और फिश मींस मेजबानी पार्टी. तो राजा ने वहां पे देखा कि जो कुक था, जो रसोईया था, उसकी बगल में एक बास्केट पड़ा था और उसमें बहुत सारे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े थे. तो राजा ने पूछा कि इसका क्या करेंगे हम, ये जो टुकड़े बचे हैं उसका करेंगे क्या. पहले तो वो कुक ऑब्वियसली घबरा ही गया होगा क्योंकि राजा ने पूछा है, तो घबरा तो गया होगा. घबराते हुए उसने आंसर दिया, they are waste, we will throw them away, कि ये तो अब किसी काम के नहीं है, हम फेंक देंगे. throw them away यानी कि बाहर फेंक देंगे. you cannot waste all these bits and pieces of vegetables, find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. Maharaja ne kya kaha dekho? You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. In English, scraps means bits and pieces of vegetables. English. Ab Maharaja ne kaha ki itne sare tukde aur itne sare bits hum phenk nahi sakte. Kuch rasta dhoondo. Aur kaise kaha? Aise ekdam request nahi ki. यहाँ पे एक वर्ड आया स्टैनली, स्टैनली यानी भार पूर्वक, जस्ट लाइक इन द वे ऑफ कमांड ऑर्डर. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. वो जो कुक था वो वहीं पे खड़े का खड़ा रहता है, दंग रहता है, कब क्या करूं. ऑल ऑफ अ सडन एक कमांड आया कि इतने सारे ये जो स्क्रैप्स है उसका कुछ ना कुछ करो, फेंकना नहीं. अब करे तो क्या करे. इन अ फिक्स यानी खड़े का खड़ा रह गया, क्या करे. ऐसे एकदम घबरा गया कि अरे बाप रे, एकदम से आफत आ गई, अब तो ये सब का करे क्या. द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड कैप स्टैरिंग, स्टैरिंग यानी देखते रहना, तकना, स्टेर देखते रहना. Suddenly an idea flashed across his mind. एकदम से एक आइडिया आया, जबरदस्त एक ख्याल आ गया. Flashed यानी
से आ जाना, फ्लैश। जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो पीछे फ्लैश होता है ना, एक फटाक करके एक बिजली जैसा उजाला आता है और पिक्चर क्लिक होता है। द सेम वे एकदम फटाक से एक आइडिया दिमाग में आया, दैट इज फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। ही टुक ऑल द वेजिटेबल पिक्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। गुड मैनर, अगेन गुड मैनर बेटा। देखो बुक टेल्स अस अबाउट गुड मैनर, क्या बात की। ही टुक ऑल द वेजिटेबल पिक्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। सब लिया, वो जो वेजिटेबल पिक्स थे वो सब लिया, उसको अच्छी तरीके से धोया, अच्छी तरीके से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने लंबी लंबी पट्टियों में, स्ट्रिप्स यानी यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप्स यानी पट्टियां, लंबी लंबी पट्टियों के सेल पे उसको काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन फायर टू कुक। एक बहुत बड़े हम पॉट में, पॉट यानी तपेली जैसा, बहुत बड़ा बर्तन लिया, उसमें सब लिया डाल दिया और उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। नाउ देखो यहाँ पे एक वर्ड आया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। यहाँ पे ग्राउंड यानी ये ग्राउंड की बात नहीं है, प्ले ग्राउंड या स्कूल के आगे घर के आगे जो ग्राउंड होता है ये नहीं। हियर इट मींस दैट गिराना। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट यानी पेड़ से उसने फ्रेश कोकोनट गिराए, फ्रेश कोकोनट उतारे। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टूगेदर, क्या क्या लिया, एक तो फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन, गार्लिक लहसुन। टूगेदर, टूगेदर यानी एक साथ, क्या क्या एक साथ लिया, एक तो कोकोनट, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, वो सब एक साथ। ही एडेड दीस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। क्या क्या उसने ये सब, वो जो वेजिटेबल थी उसने डाल दिया। अ टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्प्टिंग यानी जब मम्मी कुछ बनाती है बहुत अच्छी खुशबू आती है, मनमोहक जिसे कहते हैं, मनमोहक। टेम्प्टिंग यानी मोहक, मनमोहक स्मेल आने लगी, सबको लगा कि कुछ नई डिश बन रही है। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द डिश विद करी लीव्स। क्या किया, अब इतना कम था तो उसमें व्हिप्ड यानी मलाए और कर्ड यानी दही, पोर्ड यानी डाला। क्या किया, मलाई ली, उसको दही में डाला, फिर वो दही, मलाई वाला दही जो था वो उसके ऊपर डाल दिया। अब सोचो कितनी डिलीशियस लगती होगी डिश, और उसके ऊपर कम था तो जो हरी पत्ती आती है ना, करी लीव्स, हाँ करी लीव्स आती है ना, वो उसके ऊपर डेकोरेट के लिए डाली और डेकोरेट किया बहुत अच्छे से। लू एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। सी लू एंड बिहोल्ड, ये एक वर्ड है जो हम देखते हैं ना, हो ऐसा बोलते हैं कई बार गुजराती में, अरे इतना मस्त है ये जो बातें है, दैट इज इन इंग्लिश लू एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब ये न्यू डिश रेडी हो गई, दिखने में इतनी अच्छी थी, माई माउथ इज वॉटरिंग, डू यू, आई होप एंड आई न्यू वेरी वेल योर माउथ इज ऑल्सो वॉटरिंग। सो एक बहुत अच्छी डिश बन के रेडी हो गई, कुक ने शाम को सब गेस्ट को वो सर्व भी किया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब देखो ये न्यू डिश ने किसी ने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, किसी को पता भी नहीं था, तो एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम, सब लोग उसका नाम जानने के लिए आतुर थे कि ये डिश जो बनाई है, ये जो वानगी बनाई उसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट एवियर। ये जो रसोईया था वो सोचता ही रहता कि क्या नाम दूं इसको, उसको नाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि नई डिश थी, किसी ने आज तक खाई नहीं थी और ना तो ये कुक ने आज तक बनाई थी। इट वॉज फ्रेशली इन्वेंटेड, वो एकदम नई तरीके से निकल के आई थी, बनाई गई थी, तो उसका नाम अभी तक सोचा नहीं था। फिर कुक ने सोच सोच के एक नाम दिया और
और उसका नाम रख दिया क्या, एवियर। एवियर बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फिश। अब ये एवियर जो है वो उसी दिन से बहुत फेमस हो गई। कम कैसे फेमस हो गई, पूरे केरला में बहुत फेमस। जैसे हमारे गुजरात में हांडवा, ढोकला, पापड़े, जलेबी, हाँ पानी आया ना मुंह, वैसे ही केरला में एवियर होता है। हाँ घर पे जाके बनाना, अभी मम्मी को बोल देना कि एवियर बनाए, बनाएंगे मम्मी, नो वरी, यू जस्ट गिव दिस बुक टू मम्मी एंड मम्मी विल सी द रेसिपी एंड कुक फॉर यू। सो लेकिन अभी पढ़ लो, अभी मुंह में से पानी आ रहा है ना, हाँ चलो पी लो थोड़ा पानी। सो एवियर बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फिश। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मींस सांस्कृतिक। अब जो हमने बताई है जब हमारे घर में गुजरात में कोई ऐसा फिस्ट होता है तो हम जब उत्तरायण के वक्त क्या खाते हैं, उंडिया, द सेम थिंग, ये ट्रेडिशनल फिस्ट वहाँ की लोग हैं। कैन इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ फिश। और सोचो कि वो आया कहाँ से, ये इतनी फेमस डिश बनी कहाँ से, बास्केट ऑफ फिश से। सो माई डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज नाकाम की नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि द शूज, द टॉन क्लोथ्स, क्रैकर्स, टॉयज विच आर नॉट यूजफुल टू यू वर वेरी यूजफुल एंड प्रेशियस फॉर द किड्स ऑफ स्लम एरिया वसो। तो कुछ भी बेटा नाकाम का नहीं होता है। छोटी सी गांधी जी ने तो इतनी छोटी सी पेंसिल भी संभाल के रखी थी। कोई भी चीज़ नाकाम की नहीं है। तो आप समझ लो कि ये डिश आज जो पूरे केरला में फेमस है वो डिश एक वेस्ट ऑफ स्क्रैप्स यानी कि बिट्स ऑफ वेजिटेबल्स से बनी और आज पूरे केरला में फेमस है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद अ गुड मोरल वैल्यू, विद गुड वी कैन से दैट मोरल, एंड वी हैव टू लर्न दैट ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट। लर्न इट वेल एंड it's a good story, read it well. I have jot down the new words on the board. You just write down all these new words 3 times in your CW notebook. Learn the spell properly, learn the meaning properly, and then you'll go to the exercise. Understood? Thank you.